थाने का टाइगर, चेंबूर का चीता। हेलो एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम यूट्यूब के बेताज बादशाह भुवन बाम की वेब सीरीज ताजा खबर का रिव्यू करेंगे, जो कि 6 जनवरी 2023 को डिज्नी हॉटस्टार में रिलीज हुई है। सो फ्रेंड्स, ताजा खबर ये है कि भुवन बाम की ओटीटी डेब्यू ने काफी तोड़फोड़ मचा दी है और भुवन इसमें अपने यूट्यूब के अवतार से काफी कुछ अलग करते हुए नजर आएंगे। ये एक फिक्शनल स्टोरी है जिसके लीड कैरेक्टर वसंत गावड़े एके वस्या को प्ले किया है भुवन बाम ने। वस्या एक मुंबई की चौल में पला बड़ा एक स्ट्रीट स्मार्ट लड़का है जिसका सपना है बहुत अमीर होना। वो खुद का एक शौचालय चलाता है, उसकी माँ लोगों के घर में काम करती है और बाप अल्कोहलिक है जो छोटे मोटे काम करता है और घर में उसकी माँ को पीटता रहता है। वस्या श्रिया पिलगांवकर यानी कि मधु से प्यार करता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। दिल का साफ, किस्मत का मारा वस्या एक दिन एक जरूरतमंद औरत की मदद करता है और उसकी मदद करने पे उसको एक वरदान मिल जाता है कि उसको हर चीज समय से पहले मिल जाएगी और उसकी टूटी स्क्रीन वाले मोबाइल पे एक न्यूज एप्लीकेशन है जिससे उसको हर बार होने वाली चीज के बारे में वक्त से पहले नोटिफिकेशन मिलने लग जाता है। इस वरदान से फायदा उठाते हुए वो अपना अमीर बनने का सपना पूरा कर लेता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही वरदान जल्द ही वस्या के लिए श्राप बन जाता है और कैसे वो इस पावर के नशे में खुद को भगवान समझने लगता है और अपने करीबियों के नजर में एक राक्षस बन जाता है। इस सीरीज में भुवन और श्रेया के अलावा आपको शिल्पा शुक्ला भी दिखाई देंगी जो कि चकला यानी प्रोस्टिट्यूशन चलाती हैं। इस सीरीज में आपको सत्या के हीरो जेडी चक्रवर्ती भी दिखाई देंगे, एक शार्क उभरते हुए पॉलिटिशियन के किरदार में जो कि एक नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं, जो वस्या को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। क्यों, वो हम अभी नहीं बताएंगे जिससे आप सीरीज का मजा पूरा उठा सकें। सीरीज के डायरेक्टर हैं हिमांग गौर, जिन्होंने इससे पहले बीबी की वाइंस चैनल के लिए ढिंडोरा सीरीज को भी डायरेक्ट किया था और इसको प्रोड्यूस किया है रोहित राज और खुद भुवन बाम ने। ओवरऑल राइटिंग एंड मेकिंग सब कुछ पॉइंट पर है। भुवन बाम और श्रेया पिलगांवकर का परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री एकदम कमाल है। सीरीज बहुत लंबी नहीं है, सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं और वो भी अराउंड 25 से 30 मिनट के, तो शुरू होते ही कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। और फैंटेसी के साथ भुवन बाम यानी बीबी भी हो तो कॉमेडी का तड़का तो लग ही जाता है। सीरीज को हम रिकमेंड करते हैं मस्ट वॉच कैटेगरी में, जरूर देखें ताजा खबर, इट इज फ्रेश। वेल फ्रेंड्स, ये था डिज्नी हॉटस्टार की सीरीज ताजा खबर का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना और अगर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल स्मैश कर दी है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज कर दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए। रिव्यू को भुवन बाम के फैंस के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूं। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद। नसीब की बारिश है या किस्मत मेरे पे मूत रही है।